नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे खबरों की ओर। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सा के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन बंगाल सरकार ने दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक पेश किया है। चर्चा के बाद विधेयक को विधानसभा से पास कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय और दुष्कर्म के दोषियों को त्वरित और सख्त सजा देना है। विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के अंदर मृत्यु दंड की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधेयकों ने इस विधेयक का समर्थन भी किया है और अब विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बाजीपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे का अभियान अभी भी जारी है। पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिलने पर सर्चिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान नक्सलियों ने गोलीबारी भी शुरू कर दी है। सुरक्षा बल की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बरेली में भाजपा नेता और खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी के विरोध में सीबीगंज थाने में छात्रों और किसान संगठन ने प्रदर्शन किया है। शेर अली जाफरी समेत 3 लोगों के खिलाफ तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के डर से फोन बंद कर शेर अली जाफरी लापता हो गया। शेर अली जाफरी पर आरोप है कि लगभग 400 के करीब छात्रों की डिग्री फार्मा की फर्जी डिग्री बनाई गई है और उन्हें 4 करोड़ से भी अधिक रुपए छात्रों से फीस के नाम पर वसूला गया है। आगरा के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। अवैध गर्भपात केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान क्लिनिक से गर्भपात के उपकरण बरामद किए गए हैं। क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग को महिला मरीज भी मिली है। टीम ने मौके पर मिली महिला नर्स को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी, एक स्टाफ नर्स है, वो अवैध रूप से गर्भपात करा रही है, तो वो टीम को वहाँ भेजा गया था और टीम द्वारा देखा गया कि उनके द्वारा गर्भपात किया जा रहा है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस के साथ उनके सहयोग से उसमें उसको हम लोग ने उसकी तहरीर थाने में दी है और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है और शीघ्र इसको गिरफ्तार किया जाएगा और जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सब कुछ मिला है और इंस्ट्रूमेंट गर्भपात जिस महिला का कराया गया था वो भी वहाँ पर मौजूद थी और इंस्ट्रूमेंट में ब्लड और बाकी चीज़ें जिससे पता चलता है कि वहाँ गर्भपात हो रहा है उसके सारे सब FIR का वेट कर रहे हैं। FIR जैसे पूरी हो जाएगी तत्काल। स्टेट रोड पर रंगबाजों ने 4 साल के मासूम के सामने उसके माता पिता को मार मार कर अधमरा कर दिया है। लाठी डंडों से पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार में सवार 2 लोगों ने स्कूटी पर सवार बेटे और बाप को टक्कर मार दी। विरोध करने पर रंगबाजों ने सड़क पर मारपीट की। बिजनौर में हीमपुर दीपा क्षेत्र की नहर में 5 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस बच्चे के शव की शिनाख्त में जुट गई है। देखिए, आज प्रातः 7:15 बजे थाना हीमपुर दीपा को सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 4-5 वर्ष के बच्चे का शव जो है मुढ़ाल थाना क्षेत्र के नहर में झाल में फंसी पड़ी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची, शव को निकाला गया। बच्चे का शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उच्च अधिकारी गणों
हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के बाहर आधा दर्जन दबंग छात्रों ने एक छात्र को बेरहमी से पीटा। आपको बता दें कि दबंग छात्रों ने लाठी डंडों से बुरी तरीके से छात्र को पीटा। छात्रों द्वारा की जा रही इस मारपीट का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने जिला कार्यक्रम प्रबंधन की कार्यशैली के विरोध में जमकर हंगामा किया है। साथ ही महिला सीएचओ ने डीपीएम पर आरोप लगाया है कि वे बैठक में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। आपको बता दें कि डीपीएम की कार्यशैली को लेकर सैकड़ों सीएचओ सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को आवेदन देकर डीपीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएचओ के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, इसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि डीपीएम का जो व्यवहार सही नहीं है, इसको आवेदन को मैंने देखा है और आश्वासन दिया है कि इसको नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी बैठाएंगे, जांच कमेटी के निर्णय का लोग कार्रवाई करेंगे। इस थोड़ा समय लगेगा, जितना जल्दी हो हम लोग करेंगे, है ना। सभी को अपना अपना कार्य है, कार्य के अलावा इस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। इसी इंचार्ज सूची फाइल से देखने को खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। युवक का शव मिलने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर सहरसा से है, जहां नौहट्टा प्रखंड के दर्जनों पंचायत में बाढ़ का पानी घर में घुस गया है। साथ ही दर्जनों घर कोशी नदी के कटाव में विलीन हो गए हैं। कोई भी अधिकारी कोशी पीड़ित को देखने नहीं आ रहा है। लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। घर दुआर कटि गए, आब रह के हमरा आर के ठहार नहीं ये, बुझलहुँ। रह के ठहार नहीं ये, खर्चा नहीं ये, सब चीज के एकदम दिक्कत ये हमरा आर के। माल लोग सब के रह के ठहार नहीं ये। आ कोसी उत्फाल छे, बुझलिए, उत्फाल छे, रह के ठहार नहीं छे। लोग माल सब मरि रहलो, कोई देखे ले नहीं आयल अखन तक, बुझलहुँ। आर सरकार इएह कहे छी, अपने लग कोशिश करै छी जे हमरा हमको घर कट गए, चार गो घर कट गए, एगो दुआर पाँच गो, धान तान सब दहा गए, कुछ कतौ नहीं छे। दूगो माल जाल मरे छे, अपना तीन सन अनलक लोग कटा गए, कटिको कोई देखनार नहीं छे। कतौ जेबे, कतौ रहबे, एक भी जगह नहीं छे, कतौ नहीं एक भी जगह जमीन छे जे कतौ घर बना के रहबे। ओनाही छे लोगक अंगना में छे। की नाम चाहके? था यहाँ घर कठिन आ गया है, 10 घर कट के धार में चले गया। यहाँ कोई परेशानी सारे जगह पानी हो चुका है। कोई प्रशासन कर्मचारी कुछ कहीं नहीं आ सकता, न देखभाल के लिए, न कोई चीज करने के लिए। यहाँ पूरे मजबूर का मजबूर हो रहा है। हम लोग ऊपर तट के लिए भी भाग रहे तो सारा जगह पानी है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, एफ साइड जा रहा है। था यहाँ घर कठिन आ गया है, 10 घर कट के धार में चले गया। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।